दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश एप्पल ऑर्चर्ड से। ये जो मेरे स्पेशल गेस्ट आए हुए थे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर हेमराज, हेम सिंह ठाकुर, विशाल राणा, केवल ठाकुर, इनका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो इन्होंने मेरे ऑर्चर्ड में आए और अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मेरे छोटे भाई संजय कपूर जी वहीं पे थे और उन्होंने ही उनको रिसीव किया है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। तो आज उमेश एप्पल वर्ल्ड ऑर्चर्ड में श्रीमान हेमराज जी, जो कि कृषि विभाग से SMS की पोस्ट से रिटायर हुए हैं अभी, वो इस बाग में आए हैं और अब इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। नमस्कार। आज मैं उमेश एप्पल ऑर्चर्ड गांव काली चादर पोस्ट ऑफिस संधि तहसील व जिला चंबा के बगीचे में आज मुझे घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज मैंने देखा कि इन्होंने जो नई स्ट्रेन चले हुए हैं सेब के, जैसे फेंजम गाला है, रेडलम गाला है और डार्क बैरोन गाला है, Z1 है, किंग रॉट है, उनके फ्रूट को फल को देखने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने जो देखा यहाँ पर जो पाया है, मेरे को बहुत खुशी है कि इन्होंने जो इतनी मेहनत की है वो लाजवाब है। और हमारे इलाके में ये एक ऐसा बगीचा है, एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कि रोल मॉडल है। अगर कोई और भी किसान बागवान यहाँ पर आकर के जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है और देख सकता है कि जो ये नए स्ट्रेन निकले हैं उनमें और पुराने स्ट्रेनों में कितना अंतर है। और मैं तो श्री उमेश जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। और साथ साथ में जो इनके साथी हैं संजय कपूर जी, उनको वो तो ज़्यादा ही बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनकी देख रेख में जो है सारा काम चला हुआ है। और ज़्यादा क्या बोलता हुआ, मैं तो यहाँ पर ऐसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि जो भी लोग बागवानी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ करके देखें और तब जब प्रैक्टिकली देख करके अपना जो है वो आगे का काम जो स्टार्ट करें। और इनके पास मैंने देखा है कि अगर आप कोई रूट स्टॉक MM111 है, 793 है, M9 है, अगर कोई रूट स्टॉक लेना भी चाहता है तो इनसे ले सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा रूट स्टॉक चला हुआ है इनका। और साथ में जो है आप यहाँ पर एक दौरा ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में इसका जो है वो लाभ मिले। मैं तो सभी बागवानों से यही निवेदन करूँगा। बाकी मैं उमेश जी को और भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इतना बड़ा टैंक बनाया है, जो कि आज देखा मैंने पानी से फुल हो गया है, बारिश का पानी रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं उन्होंने, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ। और मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप अपने स्वरोजगार की तरफ जाना है तो इस बगीचे को ज़रूर देखें, तभी आपको यह अपना काम शुरू करें, अन्यथा ऐसे पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाकी इन शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कुछ बोलता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। आज उमेश एप्पल ऑर्चर्ड वर्ल्ड में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उमेश जी का बगीचा देख के दिल खुश हो गया। बहुत ही अच्छा वैराइटीज़ बहुत ही उम्दा लगाई हुई इन्होंने, और ख़ासकर जो इनका रूट स्टॉक वाला जो प्लॉट है, एक बहुत ही बढ़िया वैराइटीज़ जैसे कि Z1, वासनी, एडम और बाकी और भी बहुत सारी डिलीशियस में हैं
और गालस की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनकी, मतलब कह सकते हैं कि दिल खुश हो गया उनके बगीचे में जाके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो मैनेजमेंट को लेके हो, पानी की स्टोरेज, प्लांटेशन कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तो जो इनके जो संजय कपूर जी, उन्होंने उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, वही बगीचा देखते हैं, संभालते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा बागवान साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि एक बार ज़रूर इनके बगीचे विज़िट करें, देखें सीखें कैसे मैनेजमेंट, कैसे प्लांटेशन करनी है, पानी को लेके या कुछ जो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें आजकल, तो एक बार ज़रूर जाएं। और ख़ासकर अभी जो इनके जो अभी जो इनका थोड़े टाइम में ज़रूर इनके बगीचे विज़िट करें, क्योंकि अभी तो एप्पल लगे हुए हैं इनके बगीचे में, तो वैराइटीज़ भी देख सकते हैं जाके बागवान, साइज़ को लेके, कलर जो भी है। बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।